हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो क्वेश्चन चल रहा था वो क्वेश्चन नंबर 6 है, आज तक कंप्लीट हो गया। ए बराबर दे रखा है 1 -1 2 और -1, प्रूव दैट करना आपको ए की इनवर्स बराबर ए की क्यूब के बराबर होगा। देखिए ए की इनवर्स निकालने के लिए पहले इसको डिटरमिनेंट में लेके आएंगे। ए का डिटरमिनेंट 1 -1 2 -1, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे -1 + 2 बराबर क्या आ गया 1 ≠ 0। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का जब अस्तित्व होगा तो अब देखिए क्या करेंगे हम, इसके कोफैक्टर ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए इसका F11 -1k/1+1 ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्या रहेगा माइनस का 1, तो यहां से क्या रहेगा माइनस का 1। F11 क्या रहेगा -1, अब मैं निकालूंगा F12 -1k/1+2। देखिए मैं F12 निकालूंगा, ये चला जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो यहां से 2 + 1 = 3 - 2 F12 हो गया। अब निकालेंगे F21 -1k/2+1, अब ये देंगे तो देखिए ये चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा -1, तो यहां से आ जाएगा 2 + 1 माइनस का, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा +1। हम निकालेंगे F22 यानी कि -1 की 2 + 2, और 2 + 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो देखिए अब इसको कोई भी मैट्रिक्स मान ले, तो B बराबर क्या लिख दूं मैं, F11 मेरे पास में -1, F12 -2, F21 1, F22 F21 1 आ गया, F22 1 आ गया। अब मेरे को एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालेंगे एडजॉइंट A बराबर B के ट्रांसपोज, बी के ट्रांसपोज करेंगे -1 -2 1 और 1, यह आ गया एडजॉइंट ए। अब निकालेंगे इसका इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा ए एडजॉइंट जे ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट। तो देखिए ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर यही आ जाएगा मेरे पास में -1 1 -2 और 1, ये मेरे पास में आ गया ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स क्या आ गया मेरे पास में -1 1 -2 और 1। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए इनवर्स बराबर ए की क्यूब, ये तो मेरे पास में ए इनवर्स आ गया। अब मैं करूंगा इसकी ए की क्यूब, क्या करूंगा ए की क्यूब, तो ए की क्यूब करने के लिए इसको 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये तो था इसका ए इनवर्स। अब निकालेंगे ए की क्यूब इसकी, तो पहले देखिए ए स्क्वायर निकालता हूं तो ए इंटू ए क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर बराबर क्या देगा, ए को 2 बार लिखोगे 1 -1 2 -1, और ये आ जाएगा 1 -1 2 -1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो भाई, 1 - 2, एक को एक से मल्टीप्लाई किया यानी कि ये रो होगी, ये कॉलम होगा 1 - 2, और ये आ जाएगा -1 + 1, 1
और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वन, हम इसको करेंगे टू को वन से क्या टू माइनस टू, ठीक है भाई। अब टू को वन से कहेंगे करेंगे तो माइनस का टू माइनस माइनस प्लस वन, तो ये आ गया मेरे पास में माइनस वन जीरो, ये जीरो और माइनस वन। अब हमको निकालनी है ए के क्यूब, तो ए के क्यूब बराबर क्या रहेगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए के क्यूब निकालेंगे तो ए के क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए कर लें इसको, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में आ गई माइनस वन जीरो जीरो और माइनस वन, और ए ए मेरे पास में है वन माइनस वन, वन माइनस वन टू और माइनस वन, तो ये आ जाएगी ए के क्यूब की वैल्यू माइनस वन जीरो और माइनस माइनस प्लस वन और ये प्लस जीरो है, माइनस वन प्लस वन और इसको जीरो, ये आ जाएगा जीरो और माइनस टू, जीरो माइनस टू, अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो माइनस माइनस प्लस वन, तो देखिए ये ए के क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एक माइनस दो एक और एक, ए इनवर्स बराबर माइनस वन वन माइनस टू वन, ये किसके बराबर आ गई, ए के क्यूब की वैल्यू आ गई, यानी ए इनवर्स बराबर क्या हो गया ए के क्यूब, ये दोनों आपस में क्या हो गए बराबर, ये भी इनवर्स की आ गई ये ए क्यूब की वैल्यू आ गई, तो ये प्रूव हो गया आपका सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात है ए बराबर फाइव जीरो और फोर टू थ्री टू वन टू वन, बी इनवर्स बराबर आपको दे रखा है वन थ्री थ्री वन थ्री थ्री वन फोर थ्री वन थ्री फोर वन थ्री फोर, फाइंड ए बी इनवर्स फाइंड करना आपको, ए बी इनवर्स निकालना है इसका, क्या निकालना है ए बी इनवर्स, तो देखिए ए बी इनवर्स निकालने के लिए बी इनवर्स तो हमको दे रखा है, ए इनवर्स और निकालना पड़ेगा इसका, तो देखिए पहले ए इनवर्स निकालेंगे इसका, तो पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसके को फैक्टर निकालने पड़ेंगे भाई, दो तीन दो ए दो एक, ठीक है भाई। अब देखिए इसका ए डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं, फाइव लूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, थ्री माइनस फोर, जीरो लूंगा तो टोटल जीरो हो जाएगा, प्लस फोर लिया फोर लेंगे तो ये चला जाएगा चार माइनस तीन, तो ए डिटरमिनेंट का मान आ जाएगा माइनस का पांच, तीन माइनस चार माइनस का एक माइनस का पांच, चार तीन एक प्लस का चार बराबर क्या आ गया माइनस का एक, नॉट इक्वल टू जीरो, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स का अस्तित्व है, यानी कि ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, क्यों है क्योंकि तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो देखिए ए डिटरमिनेंट का मान क्या निकालने वाले माइनस वन,
अब देखिए इसे क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा इसे, और ए इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसके को फैक्टर निकालने पड़ेंगे, को फैक्टर निकाल के इसका एड जेड निकालना पड़ेगा। तो पहले को फैक्टर निकालते हैं इसके, देखिए यानी कि ए डिटरमिनेंट का मान आ गया -1, ये बात भी काम में लेंगे इसको। अब देखिए यहां से F11 निकाल लेता हूं मैं, F11 बराबर -a^(1+1), तो देखिए ये आ जाएगा, ये चला जाएगा 3, 2, 2 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1+2+ पॉजिटिव आ जाएगा, 3 - 2 1। F12 -a^(1+2), इसको लेंगे तो याद रहेगा 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, यह आ जाएगा 2+1, 3 -2, -2, 2 -2, 0। F13 देखिए -1, 1+3 देंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2, 3, 1, 2, 4 - 2, 3+1, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 4 - 3, 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे F21 बराबर -1^(2+1), F21 निकालेंगे, F21 निकालेंगे तो 0, 4, 2, 1, 2+1, 3, माइनस ये 0 और माइनस का 8, प्लस का 8 आ जाएगा। F21 आ गया, F22 निकाल लेते हैं, F22 बराबर -1^(2+2), 2+2 ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5, 4, 1, 1, 5, 4 और 1, 1, तो 4 पॉजिटिव आ जाएगा, 5 - 4, 5 - 4 बराबर क्या आ जाएगा 1, F22 की वैल्यू आ गई है। F22 की वैल्यू आई है, को फैक्टर निकाल रहा हूं मैं, यानी कि सेकंड, यहां से मैं सीधे सेकंड निकाल रहा हूं इसके, F22, F23 निकाल लें, F23 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1^(2+3), F23 निकालूंगा, ये निकालूंगा मैं, 5012 आ जाएगा, 5012 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, 2, 5 माइनस आ जाएगा बाहर और 10 आ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा 10। अब निकालूंगा F23 हो गया, F31 निकालते हैं, F31 निकालेंगे -1^(3+1), F31 निकालूंगा तो ये आ जाएगा, देखिए पूरा नीचे वाला चला जाएगा, पहला कॉलम 0, 4, 3, 2, 0, 4, 3 और 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा 0, -4, 12 बराबर -12। F32 निकालेंगे तो -1^(3+2), 3+2 हो जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा 5, 4, 2, 2, 5, 4 और 2, 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, 2, 5 माइनस का और 5 × 10 - 8 -2, कितना आ जाएगा -2। F33 का निकाल देते हैं, -1^(3+3), F33 का निकालेंगे तो 5, 0, 2, 3, 5, 0, 3, 5, 0, 2, 3, 5, 0, 2, 3, 3, 3, 6 पॉजिटिव हो जाएगा, 5, 3, 15 और -0, 15 ही आ जाएगा इसका। ये आ गए इसके को फैक्टर, सेकंड आ गए इसके, Thank you.
ये देखिए भाई यहाँ से मेरे को गड़बड़ लग रहा है, इसको इससे करेंगे 3-4 आएगा भाई, 3-4 यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। देखिए इसके बी कोई मैट्रिक्स मानते हैं तो बी बराबर देखिए क्या निकल दिया हमने, F1 सेकंड हमारे पास में आ गया माइनस का 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 8, ये आ गया 1 और ये आ गया माइनस का 10, ये आ गया माइनस का 12, ये माइनस का 2 और ये आ गया 15। ये बी कोई मैट्रिक्स आ गई मेरे पास में, अब इसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसका ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए ए एडजॉइंट जे ए बराबर बी की ट्रांसपोज, बी की ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 1, 0, 1, 8, -10, -12, -2 और 15, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब मेरे को निकालना है ए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर होता है ए एडजॉइंट जे ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, और ए का डिटरमिनेंट मेरे पास है माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए डिटरमिनेंट का मान आ गया भाई मेरे पास में 1 अपॉन -1, तो माइनस का आ गया -1, 8, -12, 0, 1, -2, 1, -10 और 15। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए ये अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। ए डिटरमिनेंट का मान क्या है -1, यहाँ पे -1 होगा वो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सब क्या हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास में ए इनवर्स का मान। अब मेरे को फाइंड करना है ए बी इनवर्स, क्या निकालना है ए बी इनवर्स। अब इसकी थ्योरम होती है देखिए, ए बी इनवर्स क्या निकालना है, ए बी की इनवर्स, और ए बी की जब इनवर्स निकालेंगे तो पहले बी की इनवर्स होगी, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई ध्यान रखना। ए बी इनवर्स जब भी निकलेगा पहले बी इनवर्स निकलेगा फिर ए इनवर्स, ये इसका फॉर्मूला आता है ध्यान रखना, ये ए बी की इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होगा ये। अब देखिए B इनवर्स की वैल्यू मेरे को दे रखी है और A इनवर्स की वैल्यू मैंने ये निकाल दी है, तो देखिए हम इसको रखते हैं, A B इनवर्स बराबर क्या होगा, B इनवर्स A इनवर्स, B इनवर्स की वैल्यू 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3 और 4, ठीक है भाई। अब ए इनवर्स के रखेंगे, ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, ये आ गई 1, 0, -1, -8, -1, 10, 12, 2, -15, ये आ गई। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स की आ गई हमारे पास में,
अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे एक, थ्री को जीरो से करेंगे जीरो, थ्री को माइनस वन से माइनस थ्री। फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस का एट, माइनस का थ्री, प्लस का थर्टी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बारह प्लस छ, पंद्रह थी पैंतालीस। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एक प्लस जीरो माइनस थ्री, माइनस का एट, माइनस का फोर, प्लस का थर्टी, बारह आठ माइनस पैंतालीस। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वन प्लस जीरो माइनस चार, माइनस एट, माइनस थ्री, प्लस चालीस, बारह प्लस छ और पंद्रह तीन पैंतालीस, पंद्रह चौक साठ, ये आ गया। देखिए इसको सोल्व करते हैं भाई, माइनस तीन प्लस एक माइनस दो, माइनस तीन प्लस एक माइनस दो, माइनस चार प्लस एक माइनस तीन, माइनस दो माइनस दो माइनस तीन। अब देखिए आठ तीन ग्यारह तीस, माइनस ग्यारह उन्नीस, यहां पे कितना बचेगा उन्नीस, आठ चार बारह, माइनस का बारह, प्लस का अठारह बचेगा यहां पे, और ये हो गया चालीस, ग्यारह आठ तीन ग्यारह उनतीस, ये आएगा 29। मेरा तो रह गया ये नीचे से, आ रहे हैं। अब देखिए 12 6 18 माइनस 45 माइनस के 27 बचेंगे क्या भाई, 12 6 18 आठ सात पंद्रह माइनस के सत्ताईस और बारह आठ बीस, माइनस के बचेंगे पच्चीस, कितना बचेंगे माइनस के पच्चीस साठ, बारह छह अठारह, ये बचेंगे माइनस के 42। तो देखिए भाई ए बी का इनवर्स निकाला तो हमने, हमारे पास में ये रिजल्ट आया है और ये इसका आंसर है। ए बी इनवर्स क्या आ गया आपके पास में, वो देख लो क्या आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन का। अब आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको ए बी इनवर्स निकालनी थी, तो ए बी इनवर्स बराबर क्या आता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमने पहले, क्योंकि बी इनवर्स आपको दे रखा है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया। ए इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या किया, ए का डिटरमिनेंट निकाला, फिर उसके कोफैक्टर निकाला,
फिर उसका एडजॉइंट निकाला और एडजॉइंट के बाद में क्या निकाला, ए इनवर्स। और ए बी इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, ए बी इनवर्स बराबर क्या होता है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये निकालने पर आंसर आया आपका ये। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए, ए बराबर दे रखा आपको 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1। आपको प्रूव करना है ए की ट्रांसपोज ए इनवर्स बराबर cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा और माइनस sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा। ये आपको प्रूव करना है भाई। तो ए इनवर्स भी आपको इसमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ए की ट्रांसपोज ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं हम, ए इनवर्स निकाल लेते हैं इसका। तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लो पहले, तो 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा 1। तो ए का डिटरमिनेंट बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी कि ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो इसके क्या निकाले, पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर यानी कि सेकंड निकाल रहा हूं उसके में, क्योंकि ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो देखिए एफ 1 निकाल लेता हूं मैं, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा। देखिए मैं इसका निकालूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ 1 2 निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, इसको निकालेंगे ये चला जाएगा, ये चला जाएगा माइनस का tan अल्फा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का tan अल्फा। क्योंकि ये 2 प्लस 1 की माइनस होगा, ये माइनस करके क्या बढ़ जाएगा प्लस का। एफ 2 1 निकालते हैं, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, यानी इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा tan अल्फा। तो ये आ जाएगा माइनस का tan अल्फा, क्योंकि यहां से 2 प्लस 1 की माइनस आ जाएगा। एफ 2 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 और इसको निकालूंगा तो ये चला जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब b बराबर देख के निकाल लेते हैं इसकी, और मैट्रिक्स बना लो इसकी, यानी कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स क्या है, 1 f 1 1 सॉरी 1 आ गया, यह आ जाएगा tan अल्फा और ये आ जाएगा माइनस का tan अल्फा और ये आ जाएगा 1। अब एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं इसका, एडजॉइंट ए बराबर बी की ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ जाएगा 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1। ए इनवर्स निकालने पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट जे ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा और एडजॉइंट ए की वैल्यू मेरे पास में 1 माइनस tan अल्फा tan अल्फा और 1, यानी ए इक्वल्स की वैल्यू आ गई मेरे पास में ये। ये मेरे पास में आ गई tan a इनवर्स की वैल्यू। अब मेरे को देखिए a की ट्रांसपोज करनी है, अब मैं इसकी ट्रांसपोज निकाल देता हूं। a की ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 tan अल्फा माइनस tan अल्फा और 1। ठीक है भाई, ये की ट्रांसपोज आ गई।
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, तो वो राइट हैंड के बराबर आनी चाहिए। तो ए के ट्रांसपोज ए इनवर्स बराबर, ए के ट्रांसपोज मेरे पास में देखिए क्या आ गई, ये आ गई वन माइनस टेन अल्फा और वन, ठीक है भाई। ए इनवर्स मेरे पास में आ गया ये क्या वन अपॉन वन प्लस टेन अल्फा, ए इनवर्स का मान आ गया ये मेरे पास में वन माइनस टेन अल्फा, वन माइनस टेन अल्फा और वन, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई मेरे पास में। ये मेरे पास में आ गई ए इनवर्स की वैल्यू। तो देखिए वन अपॉन वन प्लस टेन अल्फा को बाहर निकाल लूंगा यहां से, तो ए के ट्रांसपोज ए इनवर्स बराबर वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा भी क्या देगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा है, वन प्लस ए डिटरमिनेंट का मान क्या आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये तो था वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसको बाहर निकाल लो, इसको लिख दो वन माइनस टेन अल्फा टेन अल्फा और वन, ठीक है, और ये आ जाएगा वन माइनस टेन अल्फा और वन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए भाई तो ये आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, वन को वन से किया वन, माइनस 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 का टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, एक को एक से, यानी ये रो होगी ये कॉलम होगा, वन को वन से माइनस टेन अल्फा को टेन अल्फा से टेन स्क्वायर अल्फा, अब वन को माइनस टेन अल्फा से करेंगे तो माइनस का टेन अल्फा, वन को इससे किया तो इसको करेंगे तो माइनस का टेन अल्फा हो गया। अब इसको सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो टेन अल्फा और टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा टेन अल्फा, ठीक है भाई, और इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा, इसको करेंगे माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन, ये आ गया। तो देखिए वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा टू टेन अल्फा, क्या हो गया टू टेन अल्फा, यहां से आ जाएगा माइनस का टू टेन अल्फा और ये आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। देखिए मैंने ये था माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस वन था, इसको मैंने लिख दिया वन माइनस, यानी वन को पहले लिख दिया माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, अब वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा से इसको सबको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा देखिए क्या वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, बात आएगी नहीं, हाँ भैया रहा है, यानी कि ये जो डिवाइड में था सबके नीचे चला जाएगा माइनस का टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। तो देखिए वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इसका फॉर्मूला बन गया कॉस टू अल्फा का, माइनस टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा किसका बन गया साइन टू अल्फा का, ये किसका बन गया साइन टू अल्फा का, ये किसका बन गया कॉस टू अल्फा का, तो आपका ये राइट हैंड साइड आ गई है भाई।
तो ये चल रहा था आपका ए की ट्रांसपोज ए इनवर्स बराबर। अब देखिए ए की ट्रांसपोज ए इनवर्स बराबर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला किसका बन गया, 1 माइनस एन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस एन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा, ठीक है भाई। और ये माइनस का साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा का बन गया, और ये किसका बन गया कॉस 2 अल्फा का, किसका बन गया कॉस 2 अल्फा का। तो ये आपका आ गया प्रूवमेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका कंप्लीट। तो देखिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।